हे सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे. तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ ऐसा है कि मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि वोट स्टार्ट हो गए हैं. जो वार्ड में पार्षद के जो वोट होते हैं वो हमारे यहाँ हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं जा रही हूँ घर. तो फ्रेंड्स, घर जाने से पहले यहाँ पे सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले जब मैं घर गई थी और घर से आई थी, तब मैंने देखा था पूरे रूम में सीता आ गई थी, जिस वजह से पूरा सामान खराब हो गया था. तो अभी सब सामान अच्छे से पैक करके जाना पड़ेगा. जब यहाँ से जाओ तब भी सारी सफाई करके जाना पड़ता है, और जब घर से आती हो तब भी सारा सब कुछ साफ़ करना पड़ता है. लेकिन हमारे घर में ऐसा लगता है कि नहीं, आपको तो सिर्फ बैग उठाना है और घर आना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. आने से पहले यहाँ का सब कुछ साफ़ करना पड़ता है, झाड़ू पोछा बर्तन और पूरा सामान अच्छे से पैक करना होता है. पॉलीथिन में कपड़ों को अच्छे से रखना पड़ता है. तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर लेती हूँ अपने जल्दी से काम. और आज यहाँ पे मौसम बहुत ख़राब है, आप देख सकते हो. मैंने अपर पहना है क्योंकि आज यहाँ मतलब ऐसा लग रहा है दिन में भी रात जैसा मौसम है, और ठंड बहुत ज़्यादा है आज. मतलब बारिश तो हो ही रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस ठंड के दिन आ गए हो. तो मैंने पहना है फिलहाल लिए अपर, और मैं जल्दी से पहले काम कर लेती हूँ, फिर निकलती हूँ घर के लिए. तो फ्रेंड्स, अभी मैंने सारे बर्तन साफ़ करके ले आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. एक तो ठंड इतनी, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था साफ़ करने का, पर करना पड़ेगा क्योंकि घर निकलना है. तो फ्रेंड्स, मैंने सारे बर्तन कर लिए हैं, धूप तो निकली नहीं है, इसलिए मैंने इन सबको कपड़ों से पोंछ के, मतलब कपड़ों से अच्छी तरह साफ़ करके फिर इसमें रख दिया है. उसके बाद मैंने पानी भी खाली कर लिया है. मैंने अभी ये कैन खाली कर दिया, इसका पानी अलग कर दिया और इसको ऐसे रख दिया है. और यहाँ पर मैंने पूरा बिस्तर को फोल्ड कर दिया है, क्योंकि बिस्तर में डस्ट वगैरह जम जाती है, तो जब भी मैं घर जाती हूँ तो उसको पूरा फोल्ड करके जाती हूँ. यहाँ पर मैंने झाड़ू और पोछा लगा दिया है, क्योंकि जब मैं आती हूँ वापस तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, तब तो साफ़ करना ही है, पर मैं ज़्यादा टाइम पूरा साफ़ करके जाती हूँ. देख सकते हो ये मेरा डस्टबिन है, मेरे डस्टबिन को मैंने पूरा साफ़ क्लीन किया है, और उसके बाद इसको अंदर करके जा रही हूँ. क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ बार ऐसा हुआ है कि यदि डस्टबिन बाहर छोड़ के मैं चली गई हूँ तो उड़ जाते हैं, मतलब हवा का भी मौसम ख़राब होता है तो डस्टबिन ही उड़ जाता है. तो उसको मैंने पूरा साफ़ किया, क्लीन किया, और अब उसको अंदर करके तो अब उसको अंदर रख के ही जाऊँगी, क्योंकि वो पूरा साफ़ हो चुका है और सारे काम फाइनली हो गए हैं. झाड़ू पोछा बर्तन जो जो कुछ भी है, सारे काम हो गए हैं. और बस एक ही चीज़ बुरी लगती है कि जाते टाइम भी सबको साफ़ करना होता है और आके भी सबको साफ़ करना होता है, मेरी तो परेड हो जाती है. पर ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और फिर निकलती हूँ बस के लिए, बस का भी टाइम हो रहा है. तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो बस मिल गई है और मैंने पूरा फेस कवर कर लिया, क्योंकि बस की जो स्मेल है बहुत गंदी आती है, तो मुझे वोमिटिंग होती है, इस वजह से मैंने पूरा फेस कवर कर लिया है. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेंदे लगे हुए हैं, मतलब गेंदे का फूल लगा हुआ है. इसकी मार्केट में बिक्री होती है और उससे अर्निंग होती है. फ्रेंड्स, सभी जगह रैलियां चल रही है, आप देख सकते हैं. ये जो चुनाव के चेहरे कुछ दिन दिखेंगे, उसके बाद ये सब गायब हो जाएंगे. सब खड़े हुए पूरे मोहल्ले में, जहाँ तहाँ बैनर लगे. कौन जाते देखते? हम रैली में नहीं गए, रैली हम नहीं जाते इधर. कहाँ? ये बुराई है जा, एक साथ जा तो वो बुरा लगे. कब की लाएं? एक महीना कम कम रेट में मिल रहा. और ले आओ एक आध दो लाख रुपया. लुक एट दिस,
इसको देख के प्यार नहीं होगा तो किसको देख के प्यार होगा, इतनी ज्यादा ग्रीनरी है हमारे यहाँ पे। कौन सा पैटर्न बोला था? सॉक्स पैटर्न। कितने कितने आज जी? देखिए घर आते ही मिली हमको ये, क्या मिली हमको? मिठाई, प्योर खोबा खोबा वाली मिठाई। खाने के बाद इसको खाते हैं। देखो हॉस्टल में ये दूध मिलना मुश्किल हो जाता है, इसकी मलाई कितनी गाढ़ी मलाई है दूध की। मैं दूध भी पीऊँगी कॉफ़ी बना के और मलाई भी खाऊँगी सब्जी चावल के साथ, सब्जी और चावल के साथ मलाई, बहुत टेस्टी लगता है। इंस्टाग्राम जैसी फोटो अच्छी लग रही थी। अच्छा बनन बनाओ। नहीं मेरे खुद के फोन की फोटो है बेटा, स्नैपचैट की फोटो है। ओ माय गॉड दाल दलम हो रही है, थपदी तामल हो दिया हमारा थाई ने हम धी दे था धी था दे। मोबाइल एक तरफ धड़ दे, मोबाइल एक तरफ धड़ दे मोबाइल। तो फ्रेंड्स ये हमारी छोटी सिस्टर है और ये हमारे लिए घी निकाल रही है। देखिए घर का खाना कितना टेस्टी, मस्त मस्त, बहुत टाइम बाद खाएंगे हम घर का खाना। फ्रेंड्स फाइनली मैं घर आ गई हूँ और कल से नवरात्रि स्टार्ट है, इस वजह से मेरी छोटी वाली सिस्टर कर रही है यहाँ पे, मतलब मम्मी ने सब जगह पे ऐसे पुताई कर दी है, मतलब जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं ढिक लगाना, सब जगह ढिक लगा दिए हैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर कर रही है पोछा। देखिए फ्रेंड्स सब जगह ढिक लग गया, कितना अच्छा साफ लग रहा है और यहाँ पूरे में ये वाले रूम में उसने पूरा पोछा लगा लिया, अब सेकेंड रूम में लगा रही है। तो फ्रेंड्स मेरी बहन अभी खा रही है खाना और हमारे घर में नहीं है बर्तन, जिसका प्रूफ मैं आपको देती हूँ। ये देखो मेरी ये खा रही है कुकर में खाना, हमारे यहाँ प्लेट नहीं है इसके लिए, या इसको हम बर्तन नहीं देते खाना खाने के लिए। ये वो शख्स है मुँह छुपाते हुए जो नहीं खाता है थाली में खाना, जो खाता है कुकर और गंजी में खाना। सभी हम गए थे चौपाटी और अंधेरा बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने कुछ भी सूट नहीं कर पाया, तो मैंने चौपाटी से मोमोज लाए हैं और नूडल्स लाए हैं, तो हम खाते हैं। फ्राइड मोमोज लेके आई हूँ मैं और इसमें नूडल्स हैं, इस पर सब नूडल्स और निकाल लेते हैं। और हमारी बहन का पेट ये स्नैप बना के भरता है, खा के नहीं भरता, तो वो पहले स्नैप बनाएगी फिर हम कहीं उसको खा पाएंगे। फ्रेंड्स अभी हमने तो मोमोज और चाउमीन या नूडल्स वगैरह हमने तो खा लिया है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे घरों पे कितना भी बाहर का खा ले लेकिन खाना तो सब खाते ही खाते हैं। शिमला मिर्च की बना लेते, तो अभी हम लोग जल्दी से शिमला मिर्च कह रही थी ठीक है तो बना लेते दो तीन की, ये देखिए हाँ हो जा भिंडी भी। अभी हम बना लेते हैं जल्दी से शिमला मिर्च की सब्जी और चावल फ्राई कर लेते हैं, रोटियां तो शायद हैं या थोड़ी बहुत रोटियां भी बना लेंगे, तो बना लेते हैं हम जल्दी से खाना।